लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गीता, तू जल्दी से लेट जा, तेरा भाई आ रहा है। जैसे तुझे समझाया था ना, वैसा ही करना। अच्छे देख तमाशा। ये गीता को क्या हो गया? कब से बेहोश पड़ी है, भैया भैया करके पुकार रही है, बुखार से बदन तप रहा है। अरे बाप रे, ये तो तप रही है। भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाए, इसका ख्याल रखना, मैं डॉक्टर बुला कर लाता हूँ। भैया, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। गीता, तुम मजाक कर रही थी? ओह माय गॉड, ये क्या भैया, तुम्हारी आंखों में आंसू। मुझे बुखार बुखार कुछ नहीं है भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। बहन की सिसकी जो भाई के दिल को फफक कर रोने पर मजबूर कर देती है, उस भाई से ऐसा मजाक नहीं करना गीता। मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो। मैं अंदर आ सकता हूँ? ओहो, अभी आने की जरूरत क्या थी? इतने दिनों तक तो घर का रास्ता भूले रहे, अब फूल के गुलदस्ते से आप मुझे ये याद दिलाने आए हैं कि मेरा जी जान से प्यारा कोई दोस्त भी है। भाई वाह, तू कौन मैं खामखा। श्रीमान आनंद कुमार जी, ये फूल आपके लिए नहीं है, गीता के लिए। आज उसका जन्मदिन है, समझे? देखा, भाई होकर बहन का जन्मदिन भूल गए। और एक प्रकाश है जो मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलता। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, आंखें बंद करो। क्यों? आंखें बंद करो और जब तक मैं ना बोलूं खोलना नहीं। ये आई हो तो ऐसा। गीता, गीता, गीता। भैया, ये क्या तरीका है, नींद खुलने पर भी आप नहीं खोलते और मुझे ढूंढने लगते हो। अरे पगली, सुबह नींद तो खुल सकती है लेकिन बहन का चेहरा देखे बगैर भाई की आंखें नहीं खुल सकती। पर ऐसा क्या है इस बहन के चेहरे में जो तुम? इस चेहरे में माँ और बाप का चेहरा छुपा हुआ है। सुबह लोग रामायण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और मुझे गीता पढ़ना अच्छा लगता है। इस चेहरे पर गीता के हजारों श्लोक लिखे हुए हैं। बस का मत लगाओ, जाओ, पानी गर्म हो रहा, जल्दी जाके नहाओ। अरे जाओ ना। मैं अपनी देवी जैसी बहन की पूजा करता था। आप सिंगापुर में कब तक रहेंगे? अभी कहां रहूंगा, जब बहन से मिलने की उम्मीद ही चली गई, भगवान जाने वो कहां होगी। गीता, मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं पढ़ना नहीं चाहती। वहाँ ले जा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ले जा। मैं पढ़ना नहीं चाहती। जब से बेचारी का एक्सीडेंट हुआ है, यही हालत है इसकी। जरा सा होश आता है तो चिल्लाने लगती है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। ये मासूम लड़की मेरे दोस्त की बहन है, वो बेचारा इसकी तलाश में न जाने कहां कहां ठोकरे खा रहा है। डॉक्टर साहब, इस बेचारी की याददाश्त वापस ला दीजिए। रुपया पैसा किसी की फिक्र मत कीजिए। क्या फायदा, अगर ये बच भी गई तो कानून इसे अपने पति के खून के जुर्म में फांसी के तख्त पर चढ़ा देगा। नमस्कार, क्या बोले मशाए, कभी कभी तो ऐसा विचार आता है कि जो ऊपर वाला है ना, उसका तोलने का तराजू बराबर नहीं है। जिसको नीचे होना चाहिए था उसको ऊपर बुला लिया अपने पास, और जिसको ऊपर होना चाहिए था उसको नीचे बिठा दिया आपके पास। हम आपका दुख समझते हैं मिस्टर मुखर्जी, लेकिन आजकल इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके क्लेम में कोई अड़चन ना आए। वो तो ठीक है, चलो, फ्रॉड करता है बदमाश लोग और मारा जाता है हम जैसा शरीफ लोग। अच्छा, नमस्कार। शुभ रो तो चटर्जी, तुम
मुखर्जी के पीछे किस लिए भागे? मुखर्जी नहीं भैया, चटर्जी। चटर्जी? मैं उसकी लाश 2 साल पहले कलकत्ता में देख चुका हूँ। जो आदमी एक बार कलकत्ते में मर चुका था वो दोबारा आकर बंबई में जिंदा हो गया? हाँ भैया, वो आदमी जिसे मैंने कब्रिस्तान में पकड़ा था वो हवालात में ही मार डाला गया। मार डाला गया? लगता है ये जेल में मरने वाला और इंश्योरेंस क्लेम मांगने वाला मुखर्जी दोनों एक ही चाल के दो मोहरे हैं। इस शतरंज का असली खिलाड़ी न जाने कौन है और कहां से खेल रहा है। हमारा राज जान लेने के बाद राजेश और कैलाश की जिंदगी की डोर कट गई समझो। क्या कह रहे हो प्रकाश? मेरी बहन खून के इल्जाम में? नहीं प्रकाश, मेरी बहन खून नहीं कर सकती। वो भी उसका, जिससे वो इतना प्यार करती थी, जिसके लिए उसने घर छोड़ा, मुझे छोड़ दिया। मुझे उसके पास ले चलो। ऐसी नजरों से मुझे मत देख गीता, मैं पागल हो जाऊंगा। बता मुझे मेरी बहन, कौन सा ऐसा जख्म है जो तूने अपने सीने में छुपा के रखा है? बोल, कौन सी ऐसी मजबूरी है बहन जिसने तेरी जबान बंद करके रखी है? कुछ तो बोल बहन, कुछ तो बोल। प्लीज आप लोग जाइए, जाइए आप लोग। प्लीज आप इसे छूने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों ने मरीज के जख्म फिर से ताजा कर दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो होश आने पे वो कुछ कर बैठे। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता आनंद, लेकिन पुलिस के पास ऐसे कई सबूत है जिससे उसका जुर्म साबित होता है, और हमारे पास ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हम उसे बेगुनाह साबित कर सके। मैंने 1000 कोशिश की उसकी मरी हुई याददाश्त को जिंदा करने की, लेकिन मुझे वो चिराग बुझी है, रोशनी की एक किरण भी ना मिली जिसके सहारे मैं तुम्हारी बहन को बचा सकता। प्रकाश, गीता ने सिंगापुर से मुझे एक तस्वीर भेजी थी, इसमें गीता एक आदमी के साथ बैठी हुई है जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। हाँ प्रकाश, बिना चेहरे की तस्वीर लेकर इतने बड़े शहर में किसी को ढूंढना इतना आसान? ये लड़की, ये चेहरा जाना पहचाना है। हाँ ए, ये लड़की रोमा है, रोमा बहुत ही मशहूर डांसर है जो आजकल शहर में है। दोस्त, हो सकता है उसे इस तस्वीर के बारे में, उस गीता की कहानी के बारे में कुछ मालूम हो। कम इन। कितना अच्छा डांस करते हैं आप, एक मिनट के लिए तो मैं भी चक्कर खा गई थी। मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, दरअसल आप तक पहुंचने के लिए ये एक बहाना था। मुझ तक पहुंचने के लिए? यह है मेरी बहन गीता। बहुत खूबसूरत है मगर कितनी बदनसीब, कत्ल के इल्जाम में पकड़ी गई है। बिचारी की याददाश्त के दिए बुझ चुके हैं, उसकी जिंदगी एक बारीक धागे से बंधी मौत के अंधेरे कुएं में लटक रही है, और वो धागा किसी वक्त भी टूट सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी बहन निर्दोष है, बस मेरे पास उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? इस तस्वीर में आप भी हैं,
और वो शख्स भी जिसकी सिर्फ पीठ है, क्या आप बता सकती हैं ये शख्स कौन है, ताकि मेरी बहन की पिछली जिंदगी पर कुछ रोशनी पड़ सके। ये तस्वीर सिंगापुर के नाइट क्लब में मेरे एक शो के दौरान की है। शायद मेरी एल्बम में किसी दूसरी तस्वीर में इस शख्स का चेहरा नजर आ जाए। आप चलिए मेरे साथ, वो एल्बम मेरे होटल में मौजूद है। प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय डार्लिंग, तुम भूल गई कि आज मेरी सालगिरह है? मैं नहीं भूली। तो फिर जल्दी वहां पहुंचो, क्या पहुंचने का वादा किया था। ये देरी और दूरी और रही तो मैं भी जान दे दूंगा। जान देने में जल्दी मत करना, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। I'm sorry. राजेश, तुम इतने बड़े क्राइम रिपोर्टर होके भी एक कार नहीं खरीद सकते? कार तो है, लेकिन इतना मजा कहाँ था जो अब आ रहा है। तुम्हारी बाहों ने जो मुझे घेरे में डाल रखा है, और मेरी मोटरसाइकिल इसे सड़क पर नहीं दौड़ रही, आसमां पर उड़ रही है। गुड इवनिंग अंकल, कहाँ है? ऊपर है। राजेश, ये मेरे दीवान अंकल हैं, जो मेरे सब कुछ हैं। हेलो रोमा, मैं तुम्हारे अंकल से कल ही अपने भैया के दफ्तर में मिल चुका हूँ, जहाँ ये किसी मरने वाले का क्लेम लेने आए थे। कल इनका नाम मुखर्जी था, आज इनका नाम दीवान है। क्या कह रहे हो राजेश? पूछो अपने अंकल से, ये कितनी बार दूसरों की मौत की इंश्योरेंस वसूल कर चुका है, और कितनी बार अपने मरने की। नहीं राजेश, इन्होंने अभी अभी अपनी लाइफ इंश्योर कराई है मेरे नाम, पूरे 60 लाख की। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। मुझ जैसे क्राइम रिपोर्टर की आंखें धोखा नहीं खा सकती। इस मुजरिम का हर जगह नया नाम होता है, हर शहर में नया चेहरा। और इस चेहरे की कहानी सुनाने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। Yeah.